नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। ग्रामीणों ने किया हथियारों के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन, कुर्की झपटी और फांसी की मांग। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बड़वाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बालू छापर ओपी वार्ड के 13 सुभाष यादव की निर्मम हत्या, चाकू से गोद कर एवं साक्ष्य मिटाने के लिए मझौलिया थाने में अपराधियों द्वारा सबको फेंक दिया गया था। सुभाष यादव को 16 चाकू पेट पर, 4 चाकू पीठ पर और 2 चाकू गले पर मारकर निर्मम हत्या को अंजाम अपराधियों द्वारा दिया गया था। इस हत्या में 6 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी मझौलिया थाना में दर्ज किया गया है। अब तक इनमें से 1 नामजद और 4 अप्राथमिक अभियुक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक कुल 5 नामजदों की गिरफ्तारी अब तक बेतिया पुलिस के द्वारा नहीं की जा सकी है। क्या कहना चाहते हैं? क्या सुभाष यादव मेरा चचा का लड़का है जो एक सामाजिक काम करता था और समाज में अग्रणी रूप से वो कार्यरत होता था, किसी की जरूरत पड़ती दौड़ के जाता था। उसकी हत्या 26 तारीख को रात में सुनियोजित ढंग से सदन के द्वारा कर दी गई। जिस बच्चे को 26 चाकू लगा, उसकी गर्दन काट के रस्सी में बांध के नदी में फेंक दिया गया नहर में, जहाँ से लाश हम लोग मझौलिया थाना से बरामद किए। बारिश में उसकी हत्या की गई, मोटरसाइकिल उसके जगदीशपुर थाने में फेंकी गई कि पुलिस इसमें दीर्घित हो जाए और मुख्य अपराधी पकड़ा नहीं जाए। एक सुनियोजित चाल है जिसमें अभी तक पांच फरार है मुख्य अभियुक्ति, वो अभी तक उनकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग आपका क्या है? मुख्य मांग है कि मुख्य अपराधियों का विलंब गिरफ्तार किया जाए, उनकी कुर्की की जाए और उनको सजा कानून के द्वारा दी जाए। अब आजीवन कारावास की मांग कर रहे हैं हम लोग, फांसी की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो क्या? तो हम लोग जिला प्रशासन मैडम SP का घेराव करेंगे। अभी हम लोग प्रशासन पर विश्वास रखते हैं कि कानूनी सहायता हम लोग को प्राप्त होगी और इसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो अभी तक हमारे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुर्की की कार्रवाई नहीं हो रही है और अपराधी फरार घूम रहे हैं। कभी भी हत्या हम लोग हो सकती है जिसमें हम लोग मुख्य अग्रणी है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमकी सुरक्षा दी जाए, इस परिवार को मुआवजा दिया जाए और अपराधी को अभिनंदन गिरफ्तार करके गांव को, इस पंचायत को शांति दिया जाए। आपका नाम? धर्मेंद्र यादव। और मुखिया क्या मांग है? मेरा मांग है कि अपराधी जितना भी बड़ा हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और ऐसा अपराध दोबारा ना हो। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जितने भी कड़ी से कड़ी सजा उनको दिया जाए और उनके परिवार को लिए सहायता राशि भी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि निर्मम हत्या हुई है। ये बकसने वाले अपराधी नहीं है, ये बहुत बड़े अपराधी टाइप के लोग ऐसे कर सकता है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या हम लोग घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, अपराध चरम पर है। आपका नाम? मेरा नाम सरपंच बसंत कुमार हुआ, मैं बानू छपर का सरपंच हूँ।